हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम आप साथ में शेयर करने वाले हैं, मतलब मैं और रानी, हम इसलिए मैं बोल रही हूँ। रानी को आपने अभी तक भी देखा नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी वॉइस आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में सुनी होगी, तो मैं आज आपको उससे मिलवाऊंगी। रानी मेरी नंद है। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन की बर्फी, जो कि रानी को बहुत अच्छे से बनानी आती है। सो उसने बोला कि चलो कुछ करते हैं, तो मैंने कहा चलो, मौसम भी अच्छा हो रहा है और कुछ मन भी कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो हमने बहुत सोचा कि क्या बनाएं। फिर उसने कहा कि मैंने मुझे बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी सब कुछ आता है बनाना, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बनाते हैं बल्कि, और इन्जॉय करेंगे। सो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बना ली जाए, तो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ये सब। सो चलिए चलते हैं किचन में। सो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बरसात चल रही है आपको पता है, और मौसम मैं आपको छत पे जा कर के दिखाऊंगी कि कितना सुहाना मौसम हो रहा है। सो मैं जा रही हूँ अब किचन में, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और रानी कर रही है प्रिपरेशन अपने बेसन की बर्फी की। सो यहाँ पर सब मटेरियल उसने रेडी कर लिया है, सब कुछ तैयार हो गया है, बस अब हम तैयार करेंगे बेसन को, भुनेंगे घी में जैसे भी रानी बताएगी, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से आता है। सो वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ देखना हो आगे मेरी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हो रही हूँ अपनी वीडियोस को लेकर के, बिकॉज बहुत सारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, यार कर दो, सब्सक्राइब करने कौन से पैसे लगते हैं यार, सब्सक्राइब कर दो, उसके साइड में बेल आइकन आती है उसको भी हिट कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएं। बहुत लोग मुझे, लड़कियां मुझे कमेंट्स करती हैं, मैं हर किसी का कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, सभी के ही ऑलमोस्ट मैं करती हूँ, और कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, लाइक सुप्रिया है, नेहा है, और भी बहुत हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में सबके नाम मेंशन करूँगी जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबको कि आप मुझे इतना पसंद कर रहे हो, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो चलिए देख लेते हैं कि अब क्या कर रहे हैं, मैं आपको रानी से मिलवाती हूँ, लेकिन वो अभी कह रही है कि 2 मिनट चाहिए उसको, तो चलो हम 2 मिनट दे देते हैं उसको, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, प्रिपरेशन पूरी हो गई है, अब बस बनाना हमें शुरू करना है। सो मैं आपको रानी से मिलवाती हूँ। सो ये है रानी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बताना आप लोग कमेंट्स में कि आप लोग कैसे हो और क्या कर रहे हो बरसात के मौसम में, पकौड़े वकौड़े बना रहे हो या नहीं बना रहे, बताना। तो सब कुछ हो गया है रेडी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसन की चक्की के लिए, बर्फी के लिए क्या क्या चाहिए। तो रानी ने कहा कि मैं बनाऊंगी, क्योंकि उसने कहाँ सीखा था? स्कूल में सीखा था मैंने। अच्छा, होम साइंस की क्लास में सिखाते हैं ना, मुझे भी, हमने तो होम साइंस की क्लास में जो कढ़ाई वगैरह और एक डॉगी बनाया था फॉर्म का, तो खाना वगैरह तो शायद हमने नहीं बनाया था, मैं भूल भी गई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो तुमने क्या क्या बनाया था होम साइंस क्लास में? हमने बनाया था ब्रेड पकौड़े बनाए थे, और सीर बनाई थी जो मोमडन लोग बनाते हैं वो वाली बनाई थी, और बेसन के लड्डू बनाए थे। अच्छा, तो हम आज बर्फी बेसन की, जी आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी। एक्चुअली हम दोनों का ही बहुत मन कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा कभी कभी होता है ना, बहुत मीठा खाने का मन करता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जिससे खा के ऐसा लगे कि बस मजा आ गया। सो हमने सोचा चलो, हम खाली तो है ही, हम कर क्या रहे हैं, काम हमारा सुबह ही हो गया था, मौसम भी आज ऐसा बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो मौसम हम आपको ना छत पे जाके दिखाएंगे हमारे सहारनपुर में कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब तो हमारा सहारनपुर ही हो गया, क्योंकि हम तो यहीं आ गए हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए बैक कैमरे से, क्योंकि फ्रंट से बहुत मुश्किल हो जाता है बनाना दिखाना, सॉरी। सो चलो मैं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है बड़ी सी, उसे हमने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया है,
उसमें हम बेसन डालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है। ये सब कुछ मेजरमेंट हमने रानी के हिसाब से किया है, रानी ने बताया था कि कैसे कैसे लेना है। तो एक कटोरी बेसन है, एक कटोरी चीनी है, चीनी शायद हम और डाल सकते हैं चाशनी बनाने के लिए, इसकी चाशनी बनेगी बेसिकली। एंड ये है काजू, बादाम, ये है काजू जो हमने कद्दूकस में थोड़ा सा ऐसे क्रश किए हुए हैं, ये हम उसे मिक्स करेंगे, ये डेकोरेट करने के लिए है काजू। और ये है घी, देसी घी, और ये है मावा, हमने मावा भी थोड़ा सा ले लिया है क्योंकि वो डालने से थोड़ा टेस्ट जो इन्हेंस हो जाता है, सो इसलिए हमने ये सब चीज़ें ली हैं। और बाकी हमारी कढ़ाई यहाँ पर रेडी है बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि रानी कैसे बनाती है। सो चलिए जी बनाइए। सबसे पहले बेसन डाला है, बेसन डाली है। हाँ, 200 ग्राम बेसन है, 200 ग्राम बेसन है आपको, चलो ये भी बता दें कि 200 ग्राम बेसन है। और हमारी जो बर्फी है वो पता नहीं कैसी बनेगी, बट आई होप अच्छी ही बनेगी। तो रानी ने अपने स्कूल में होम साइंस की क्लास में बनाया था और बहुत टाइम से वो घर भी बनाती है। सो अब ये घी डाल रही है इसमें, ये है घी, 100 ग्राम घी है, 100 ग्राम घी है। सो आप घी का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कितना डालना है, घी तो आप डाल सकते हो अच्छे से, क्योंकि भूनने में भी आसानी होती है, प्लस टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है घी का। और ये तो देसी घी है, ये घी मेरी मौसी ने स्पेशली मेरे लिए भेजा था, ये देसी घी है, इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आती है कि बस खुशबू में इंसान छक जाए। सो बहुत अच्छा घी है और इसको अच्छे से यहाँ पर हमें भूनना है, राइट। हाँ, सो यहाँ पर रानी भून रही है बेसन को, इस तरीके से ही भुनेगा ना ये जी। हाँ, और इसकी चाशनी बनाने के लिए वो चाशनी बनानी पड़ेगी चीनी की ना अलग से जी, उसमें पड़ेगी। अच्छा, तो उसमें कुछ एक तार का, और ये भी चक्कर होता है कि एक तार का दो तार का होता है ना चाशनी बनाने, एक तार हो जाए तो मतलब कि चाशनी तैयार है। अच्छा, एक दो तार हो जाएंगे, ठीक है, जब वो चिपकने लग जाए ना। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली चिपाट होनी चाहिए उसमें, तार वार का कोई चक्कर नहीं है, या तार भी चाहिए? तार भी चाहिए ना, एक तार चाहिए। ठीक है, हम चेक करेंगे। चलिए, तो बेसन की बर्फी ना अच्छी जमती है, मतलब कि अच्छी लगती है। अच्छा, खाने में भी और वैसे भी जमने में भी ठीक रहती है, तो ज़्यादा टाइट नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी जो फ्लेम जो है स्लो ही, आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस ही स्लो फ्लेम पे ही होगा क्योंकि जल सकता है ना बेसन, तो इसको भूनने में वैसे काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से मैंने बनाई तो है नहीं बर्फ़ी और लड्डू बेसन के, लेकिन हाँ मैं बनाती थी पहले, तो मैंने सोचा चलो आज रानी बनाएगी। सो घी इसमें और डाला जा रहा है ताकि ये और अच्छे से भुने। सो आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा है, हम इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं ना वैसे। हाँ, डाल सकते हैं फूड कलर, या हमारे पास चेक करना पड़ेगा हमारे पास है या नहीं। चलो मैं ढूंढूंगी फूड कलर अपनी ड्रॉर्स में सब में, फिलहाल तो ये अच्छे से भुन जाए, देखो इसमें होने लग गया ना। हाँ, सो यहाँ पर हमारा बेसन जो है वो अच्छे से भुन रहा है, ये देखो बेसन ने घी छोड़ दिया है। तो बेसन जो है वो भून रहा है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना उसकी, बहुत अच्छी। और मैं फूड कलर ढूंढ के लेके आई हूँ, ये है अनुजा का लेमन येलो चल जाएगा ना। हाँ, ये वाला फूड कलर मुझे मिल गया अंदर से कमरे में से। और क्या कहती रानी, आप बताओ? पहले हंस लो। तो रानी थोड़ी कैमरा शाही है, वो सोचती है कि ये मैं क्या बोलूँगी, और कैमरा ऑफ होते ही ना इतना कुछ बोलती है, लेकिन कैमरा स्टार्ट होते ही ना वो थोड़ा सा भूल जाती है कि मुझे यार ये कहना था, मैं भूल गई। सो थोड़े दिन लगेंगे अभी उसको कि कैमरे के सामने कैमरा फ्रेंडली होने के लिए, कोई बात नहीं हो जाएगी। सो अब बताओ कि याद आ गया? कुछ लोग सूजी भी डालते हैं। किसमें? इसमें? हाँ, येलो वाली बर्फी में। अच्छा, तो जब कुछ लोग सूजी डालते हैं तो वो सूजी से ना ये ना क्या नाम है बेसन की बर्फी खड़ी खड़ी सी रहती है, मतलब कि जब ये मतलब के रखते हैं खड़ी सी, मतलब टाइट टाइट सी, खड़ी खड़ी सी। अच्छा, मतलब ठीक रहे, भुरभुरी सी, भुरभुरी सी होती है। अच्छा, भुरभुरी सी, ठीक है। तो हम ऐसा बना रहे हैं, ऐसा ठीक रहेगी। तो बेसन आप देख सकते हो हमारा बहुत अच्छे से भून रहा है, तो तुम्हारे हाथ दुख जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता है यार इसे भूनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत देर में जाके भूनता है, और ये भूने ना
तो कच्चा कच्चा सा टेस्ट होता है इसका, बहुत गंदा लगता है, तो इसे अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है। जब ये ब्राउन सा हो जाएगा तो हम इसे उतार देंगे। अच्छा ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लेम जो है वो स्लो ही है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये सारा काम चल रहा है हमारा। और अभी फिलहाल आज हम थोड़े से लेट हो गए हैं, टाइम आई थिंक 12 बज रहे हैं। सो हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया था मॉर्निंग में, तो हमने सोचा कि चलो आज कुछ करते हैं। और बहुत दिन से मैंने वीडियो भी नहीं शेयर करी, तो मेरी आपके साथ में ये रेसिपी भी रानी की जो शेयर हो जाएगी, और आप लोग इसे बना भी सकते हो, क्योंकि यार किसे नहीं पसंद यार बर्फी बेसन की, यार बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर पूरे शिद्दत के साथ में बेसन को भुना जा रहा है ताकि वो बहुत अच्छे से भुन जाए, ताकि फिर हमारी बर्फी अच्छी लगे। सो होम साइंस की क्लास में हमें 12th में, आई थिंक 12th का टाइम बहुत टाइम हो गया मुझे तो स्कूल छोड़े हुए, सो पता नहीं कौन सी क्लास में मेरे पास होम साइंस की 10th या 12th, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे। सो उसमें मैंने ना रुमाल पे जो कढ़ाई होती है ना, कच्चा 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 पक्का और पता नहीं कौन कौन सी वो होती है जो धागे से हम रुमाल को उसमें लगा के, वो क्या होता है फ्रेम होता है ना, वो क्या होता है वो गोल गोल से वो फ्रेम ही होता है, हाँ उसमें लगा के रुमाल को, और जो सुई से जो कच्चा पक्का करते थे, और तुरपाई और आई बनाना सब कुछ मैंने वहाँ पर किया है, लेकिन बहुत टाइम हो गया। एक डोगी भी बनाया था मैंने बड़ा प्यारा सा, और हमने मैंने पेंटिंग की क्लास भी ज्वाइन की थी स्कूल में 12th क्लास में। तो जब सोचते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, फ्रेंड्स याद आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रानी ने कहा कि मैंने स्कूल में सीखा था और बहुत अच्छा बना था, और मैं घर पर भी बनाती रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज हम बनाते हैं। सो यहाँ पर ये बेसन जो है बहुत अच्छे से भून रहा है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। तो फ्रंट कैमरे से दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बैक कैमरे से आपको सब कुछ दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं आपके साथ में बातें कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। मेरी जो लास्ट जो वीडियो थी वो थी गिफ्ट अनबॉक्सिंग की, रिटायरमेंट का व्लॉग गया था मेरा, उसके बाद एक अनबॉक्सिंग की वीडियो गई थी जिसमें मेरे पापा को जो गिफ्ट मिले थे, मुझे जो गिफ्ट मिले थे वो मैं यहाँ पे शेयर करी। और जो मुझे रिटायरमेंट पे गिफ्ट मिला था वो है ये वाले इयररिंग्स जो मुझे मम्मी ने दिए थे, गोल्ड के इयररिंग्स, मैंने उस दिन से ही पहन रखे हैं। और पायल थी मैंने आपको दिखाया था और चुटकी थी। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं, मेरी नई शादी हुई है 7 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी, तो ये सब मैं बदलती रहती पहनती रहती हूँ ऐसी। सो बेसन भून रहा है, और यहाँ पर हम बनाएंगे चाशनी। ये चाशनी के लिए हमने यहाँ पर ये छोटा सा हमारे पास ये भगोना है जो कि चाशनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें बनेगी चाशनी, और क्या क्या गिरेगा इसमें, इसमें एक कटोरी पानी डालेगा, एक कटोरी पानी गिरेगा। अगर आप लोग बनाएंगे, अगर हमारी बर्फी अच्छी बनती है ना तभी बनाना, वैसे मत बनाना ठीक है। वैसे तो भगवान करे अच्छी ही बने, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें। सो अब डाल दी है चीनी इसमें, वो एक कटोरी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया था सब कुछ, एक कटोरी चीनी है, और चीनी हम लोग शायद और डाल सकते हैं क्योंकि बेसन के हिसाब से वैसे चीनी ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं, चीनी हम और भी डाल लेंगे अगर हमें लगा तो। सो बेसन भून रहा है, थोड़ी देर में मैं इसको चलाऊंगी क्योंकि हाथ जो है मुझे पता है बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। सो अब मैं चलाऊंगी इसको और रानी पकड़ेगी कैमरा। रानी यहाँ पर ये येलो कलर जो है वो निकाल रही है, और वो अंदाजे से डाल रही है ना जी, अंदाजे से यहाँ पर कलर बेसन में ही जाएगा। अच्छा वैसे पानी में घोल के डालते ना, ऐसे ही डाल देंगे। अच्छा ये तो थोड़े से ही ना बहुत ज़्यादा कलर हो जाता है इसका। तो रानी ने यहाँ पे डाल दिया, और ये कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा अब। सो जो हलवाई वगैरह भी ना कलर ही डालते हैं ना बेसन के लड्डू और बर्फी में, तभी तो वो इतने अच्छे दिखते हैं, तभी तो येलो येलो से हो जाते हैं। हाँ हमारी हो रही है ये चाशनी तैयार, आप देख सकते हो इसमें। वैसे हम ना चाशनी में भी डाल सकते थे कलर ना, चाशनी में नहीं, हाँ डाल सकते हैं, चाशनी में भी डाल सकते हैं। तो ये चाशनी आप देख सकते हो, बता दिया था कि एक कटोरी पानी,
और एक कटोरी चीनी। मेरे ख्याल से चीनी इसमें और जाएगी, सो आप कलर देख सकते हो कितनी जल्दी इसका चेंज हो गया है। कैमरा कैच नहीं कर रहा है कलर, पता नहीं क्यों, बट इसका कलर चेंज हो चुका है। सो बेसन भुन जाए, चाशनी बन जाए, फिर आपको दिखाती हूँ हम आगे क्या करेंगे। तो ये भुन चुका है और यहाँ पर चाशनी भी तैयार है। हमने चाशनी में थोड़ा सा कलर डाल दिया था तो ये इस टाइप की हो गई है। इसे थोड़ा सा हम गर्म करके इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं मावा जाते ही थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो कलर ठीक आ जाएगा। इसके चलाते रहना है मावा डाल करके। मावा सारा डलेगा ना वो वाला जी? मावा डालने से बहुत अच्छा वाला टेस्ट आ जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये तैयार हो गया है। अब इसमें कलर वाली चाशनी, और चाशनी हमारी सूख गई है रखी, लेकिन हमारा ये जो है ये काफ़ी ठीक है, मतलब तो इसमें ऐड करेंगे ना तो हम चाशनी इतनी डाल लेंगे, थोड़ा इसका कलर डार्क हो गया ना काफ़ी ज़्यादा। या कैमरे में लग रहा है, वैसे इतना डार्क नहीं है। और चाशनी गिरो, चाशनी और गिरो, उसको हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कि मीठा हुआ है या नहीं, उसी के बाद हम लोग आगे इसमें डालेंगे। शेड डल गई है इसमें ये, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये ठीक हो गया। अब हम गैस को ऑन, हमने गैस ऑफ कर दी थी बिकॉज हमें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ये बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब ये ठीक लग रहा है हमें देखने में। सो गाइस, बर्फ़ी तो तैयार हो गई है, उसको हमने वो तैयारी हो गई थी पूरी, तो उसको हमने एक थाली को उसमें घी लगा के थोड़ा सा ग्रीस करके उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, और वो हमने जमाने के लिए रख दी थी। वो बाहर भी सेट हो गई थी, बाकी हमने थोड़ा सा फ्रीज़र में भी रख दिया था ताकि जल्दी से सेट हो जाए। और मैं ये शूट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो एकदम से बंद हो गया था, उसकी बैटरी एकदम चली गई थी, और मैं अगर इसे चार्ज करती तो फिर वो बहुत ज़्यादा कैड़ा हो जाता और वो उसमें डालना बहुत मुश्किल हो जाता, तो वो मैंने स्किप कर दिया। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने वो ट्रांसफ़र कर दिया था और अब हम उसे कट करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि हमारी बर्फ़ी कैसी बनी है। हमारी बर्फ़ी बेसन की, और इसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर लग रहा है, लेकिन इतना डार्क कलर है नहीं, पता नहीं क्यों कैमरा ऐसे क्यों दिखा रहा है। सो ये है रानी, बनकर तैयार हो गई और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, तो हम लोग बैठ गए हैं अपने बेड पे इसको कट करने के लिए। अब हम इसको कट करेंगे, देखो कैसे करते हैं कट। चलो इसको कट करो। सो जमी तो हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट है गाइस, लेकिन बस इसका कलर का पता नहीं क्या हो गया कि इतना डार्क क्यों दिखा रहा है, बल्कि इतना डार्क है नहीं। बाकी देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और खा कर देखते हैं। तो हमने ये जो थाली है, हमारे पास कोई टीन का नहीं था कोई बर्तन, तो हमने ये थाली में ही घी लगा करके इसको अच्छे से इसमें लगा दिया था, सेट कर दिया था। और ये इसको लगे होंगे कम से कम कितना रानी, 15 मिनट में ये सेट हो गई। 15 मिनट में हमारी बर्फ़ी जो बिल्कुल सेट हो गई है, और यहाँ पर ये कट की जा रही है, और कट भी आसानी से हो जा रही है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लग रही है, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बाकी खा करके हम देखेंगे। ये इसमें कट कर लिया है, और आप देख सकते हो सडनली इसका कलर थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है। ये देखो आप, बिल्कुल परफेक्ट एकदम निकल रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेहनत जब कामयाब हो जाती है तो स्माइल कैसी होती है आप रानी के फेस पे देख सकते हो। बड़ी मेहनत लगती है यार बेसन को भूनने में, क्योंकि उसे भूनने में ये बहुत टाइम लग जाता है। सो ये हमारी बर्फ़ी निकल रही है, तो हम इसको निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये हो गई है हमारी यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी तैयार। अब रानी आपको टेस्ट करके बताएगी कि ये कैसी बनी है, तो चलिए खाइए। अच्छी है, अच्छी है। स्माइल से ही पता चल रहा है, सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। बेसन कच्चा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। चलो तो मैं अब टेस्ट करके देखती हूँ कैसी है।
सो अब मैं देख लेती हूँ कि कैसी है रानी ने झूठी तारीफ की है सच्ची, वो मैं बताऊँगी, क्योंकि रानी ने बनाई है तो उसको तो अच्छी लगेगी, बट मैं आपको सच बताऊँगी। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। अच्छी है यार। इसमें ना जैसे बर्फी में होता है ना वो एकदम सॉफ्ट सी, इसमें ऐसे ना क्रंच सा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में और ना देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और मतलब एक पीस खा के ना ऐसा लगेगा यार बस मज़ा आ गया। तो हमारी मेहनत हो गई है कामयाब। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहिए। आपने बर्फी बना करके खिलाई है, मेरी आत्मा को आपने शांति दी है, क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, थोड़ा सा खा लूँ। क्योंकि भाभी का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कई दिनों से। मैं भाभी कहने लगी कि चलो आज कुछ बनाते हैं मीठे। मैंने कह दिया कि चलो आज ना हम ना मिठाई बनाते हैं। तो भाभी का बहुत मन कर रहा था मिठाई खाने का, तो मैंने बना दी। बहुत अच्छी है गाइस, आप ट्राई कर सकते हो इसको, बहुत अच्छी है। इसमें हमने नारियल भी था, मैं आपको बताना भूल गई, वो नारियल था जो तीसरी कटोरी थी ना उसमें नारियल था, वो थोड़ा ना काजू में मिक्स था, तो मैं आपको बताना भूल गई। बाकी इसमें हमने नारियल भी डाला, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और इसमें आपने देख भी लिया, इसमें मावा था, बस वो अब मैं आपको दिखाना भूल गई कि इसको हमने कैसे ट्रांसफ़र किया। वो सब तो बहुत इजी है, वो तो सबको पता है। सो हमारी बर्फी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब हम एक एक पीस और खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि टाइम 2 बज गए हैं, खाने का टाइम हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है, ये रेसिपी आपको पसंद आई है हमारी बेसन की बर्फी, तो वीडियो को हमारी भाभी की वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज कर देना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।